हमारे मैकनाइज इन्फेंट्री के अंदर BMP-2 सारथ दिया गया है, जो कि दुश्मन के एंटी टैंक वेपन्स, एंटी टैंक को भी ये 4 किलोमीटर तक बर्बाद कर देता है। इसी के साथ सॉफ्ट स्किन व्हीकल, कोई टारगेट होगा या कोई पैदल सेना होगी तो उसको भी ये बर्बाद करने की काबिलियत रखता है। इसी के साथ ये हर समय, हर मौसम और हर एक ट्रेन के अंदर, कोई किसी टाइप का भी इलाका हो, किसी टाइप का मौसम हो, उसके अंदर ये काम करने के लिए सक्षम है। इसके अंदर टोटल 10 आदमी काम करते हैं, ऑपरेट करते हैं इसको, जो एक ड्राइवर होता है, गनर होता है, एक ऑपरेटर होता है। इसके अलावा 7 आदमी और होते हैं जो इन्फेंट्री का रोल करते हैं, यानी ये इक्विपमेंट और ये पूरे जो आदमी है, जो जवान है, सब मिल जाते हैं। तो ये स्किलिंग गन का काम करते हैं, यानी इनके सामने कोई भी रुक नहीं सकता है। ये पानी में भी तैर सकता है, डेजर्ट में भी चल सकता है। मेरे पीछे इक्विपमेंट देख रहे हैं, ये है टैंक T-90। ये एक मीडियम क्लास टैंक है और इस टैंक का वजन 46 टन का है। इस टैंक के अंदर 3 का क्रू बैठता है, जो कि ड्राइवर, गनर और कमांडर होता है। इस टैंक की कारगर रेंज स्मूथ बोर गन, जो कि मेन गन है, उसके साथ 5 किलोमीटर तक की है। ये दिन और रात में कारगर फायर डालने में सक्षम है। एरियल टारगेट यानी हवा में जहाज को एंगेज करने के लिए इसके अंदर NSVT नाम की मशीन गन का लगावट किया गया है और नज़दीकी रेंज में करने के लिए छोटी मशीन गन 7.62 mm PKT गन का इस्तेमाल किया गया है। इनहेरेंट प्रोटेक्शन यानी कि बचाव के लिए इसके ऊपर 252 ERA पैनल्स का लगावट किया गया है और एक बार फुल करने पर यह टैंक 550 किलोमीटर तक की रेंज, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की टॉप स्पीड पर काम कर सकता है। पानी के ऑब्स्टेकल आने पर 1.8 किलोमीटर की गहराई की ऑब्स्टेकल को 1 किलोमीटर तक पार करने की क्षमता रखता है। Stay with the Times of India for news breaks, analysis, interviews and events. We bring you stories from your neighborhood and from across the globe as well. Subscribe to our YouTube channel. Hit the like button and press the bell icon so you don't miss any of our videos.